अलग अलग सीएसएस के क्लास को क्रिएट किया जाता है, द सेपरेट सीएसएस क्लास इज क्रिएटेड, अलग अलग सीएसएस के क्लास को क्रिएट किया जाता है, द सेपरेट सीएसएस क्लास इज क्रिएटेड, जिसे टैग में कॉल किया जाता है, जिसे टैग में कॉल किया जाता है। अब यहां पे देखो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा, इंडिया मुझे किस रंग का चाहिए, ब्लू, पाकिस्तान किस रंग का चाहिए, और श्रीलंका चाहिए मुझे मैरून कलर का, ठीक है। मैं कैसे सॉल्व करूंगा, यहां से देखिएगा, ये तकनीक मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास समस्या क्या आ रही है कि एलआईसी के तीनों काम होता है, एक एलआई का सीएसएस बनाएंगे तो तीनों एक ही के हो जाएंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम तीन अलग अलग क्लास बनाएंगे। एक हमारे दूसरा तरीका क्या, क्लास बनाएंगे, क्लास कैसे बनाता हूँ, डॉट के साथ बनाता हूँ। हमने जैसे डॉट ए वन नाम की क्लास बनाई, नाम कोई भी रख सकते हो, और इसका कलर क्या कर दिया, कलर ब्लू कर दिया, डॉट ए वन कलर ब्लू कर दिया। फिर हमने दूसरा क्या बनाया, डॉट ए टू कलर क्या बना दिया, ग्रीन। ध्यान रखना नाम कुछ भी रख सकते हो, नाम के ऊपर ज्यादा परेशान ना हो जाए। डॉट ए थ्री कलर क्या रख दिया हमने, मैरून, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, स्टाइल टैग को बंद कर दिया। ये हमने तीन क्लास बनाए, अब इन तीन क्लास को कहाँ बढ़ाएंगे, ये एल आई के साथ हम बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एल आई और एल आई के साथ हमने यहाँ पे लिखा क्लास बराबर, यहाँ पे लिख दिया ए वन, फिर इंडिया स्लैश एल आई कर दिया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए वन को किसमें बुला दिया, एल आई में। जैसे हमने एल आई में क्लास बराबर ए वन बुलाया तो आप इंडिया किस रंग का हो जाएगा, नीला, ए वन क्या है, नीला है। इसमें क्या किया हमने, किसको बुलाओ बताओ, एल आई क्लास बराबर किसको बुलाओ, ए टू को बुलाओ, और यहाँ पे बाहर पाकिस्तान हमने लिखा, और यहाँ पे हमने क्या किया, एल आई को बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ किसको बुला लू, एल आई क्लास बराबर ए थ्री को बुलाया, और बाहर हमारा क्या लिखा, श्रीलंका लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमने एल आई को क्या कर दिया, बंद कर दिया, और उसके बाद किसको बंद कर दिया, ओएफ को बंद कर दिया। तो ये फॉर्मेट आपको कब करना है, जब आपको एक ही टैग में अलग अलग वेरिएशन चाहिए तो आप किस फॉर्मेट का यूज करेंगे, क्लास ओवर में। और अगर एक टैग में एक ही फॉर्मेट चाहिए तो अभी तक हमने वही तो किया, कोई सवाल है इस फॉर्मेट में, आसान है, समझ आ रहे हो, ठीक है। तो इस वाले को क्या करें, आपको नोट डाउन